industrial policy. So industrial policy is a we can say that is a set of standards which is made by the government related to different kind of industries. In the industrial policy, we are taking all kind of decision related with industry, such as policy setup, setting the policies related with the manufacturing industries, export import, licensing of the industries, opening of the new industries, growth of the industries. All kind of decisions are taken into industrial policy. ठीक है, सो इन डिफरेंट फेजेस द डिफरेंट आईपीआर वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया एंड हर एक स्टेजेस में क्या हुआ, देयर वर डिविजन ऑफ द इंडस्ट्रीज में. डिविजन हुआ इंडस्ट्रीज का, रूरल इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की बात हुई, कोटेज इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट की बात हुई, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एक्सपोर्ट इंक्रीज करने की बात हुई. तो ऑल दीज थिंग्स हैपेंड अंडर द इंडस्ट्रियल पॉलिसीज रिजोल्यूशन. आई बस समझ में यहां तक. तो What is the objective of industrial policy? We already discussed. क्या है objective industrial policy का? Anyone? What are the objectives of industrial policy? Income. To generate more profit. Very good. More profit. Generate employment. Optimum utilization of the resources. है ना? ठीक है. Better utilization of all the resources, natural resources. Higher growth. हाँ बिल्कुल, ग्रोथ. चलिए, एंड ऑल्सो टू मैच द लेवल ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, है ना, इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से कॉम्पिटिशन तक, हाँ कॉम्पिटिटिव सिचुएशन तक हम पहुंच पाए, इसके लिए भी हम क्या लेकर आए थे, इंडस्ट्रियल पॉलिसी. ठीक है, ओके, इंडस्ट्रीज, वेरी गुड. चलिए, so industrial policy 1948 we done, 1956 we done, 1977 we done. तो 1977 वाले में आप लोगों ने कुछ पॉइंट्स को लिखा है, 1977 में लिखवाया था मैंने. ठीक है, 1980 में, जो आपका इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट था 1980 का, एक बार सुन लो. 1980 का मैं फिर से एक बार बता रही हूँ, जो लास्ट क्लास में मैंने करवाया था, फिर यहाँ से 1991 का स्टार्ट करेंगे हम. ठीक है, सो इंडस्ट्रियल पॉलिसी स्टेटमेंट 1980 जो था, बेसिकली ये एड्रेस हुआ था फॉर द नीड ऑफ द, क्या चीज के लिए आया था, व्हाट वाज द फोकस एरिया ऑफ द 1980s आईपीएम? हाँ, पब्लिक सेक्टर, हाँ वेरी गुड, पब्लिक सेक्टर को स्ट्रेथन करना, साथ साथ में टू एड्रेस द डोमेस्टिक मार्केट, यानी अपने डोमेस्टिक मार्केट को भी स्ट्रेथन करना, ताकि वो कॉम्पिटिशन में बेसिकली पार्टिसिपेट कर पाए, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर पाए. मॉडर्नाइजेशन वगैरह का कॉन्सेप्ट भी हम 1980 के बेसिकली आईपीआर में, आईपीएस में लेकर आए थे, है ना. उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा लाइसेंसिंग पॉलिसीज भी आया था, पॉलिसी को लिबरलाइज भी किया गया था कि आपको इजिली क्या मिल जाएगा, लाइसेंस, राइट. उसके अलावा यहाँ पर दो चीजों के बारे में बोला गया था, एमआरटीपी एक्ट एंड फेरा एक्ट, याद है सबको, मोनो, यस मैम, 1980 पढ़ा रही बेटा, एमआरटीपी एक्ट एंड फेरा, याद है एमआरटीपी, एमआरटीपी, यस मैम, मोनोपोली रिस्ट्रिक्टेड ट्रेड, वेरी गुड. एमआरटीपी एक्ट को और फेरा एक्ट को भी इस पॉलिसीज के बाद बेसिकली इंडस्ट्रीज में इंट्रोड्यूस किया गया था. कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, इंडस्ट्री में, क्योंकि फेरा एक्ट तो आया था 1973 में और एमआरटीपी एक्ट आया था 1969 में. एक बार इसको देख लेना, इट्स 69, आज पता नहीं आया, तो एक बार चेक कर लेना. ठीक है, इट इज 1969, एमआरटीपी एक्ट इज 1969, लेकिन आई विल कंफर्म इट वंस अगेन. ठीक है, सो एक आया आपका फेरा, तो 1973 में आया, तो दैट इज 100% श्योर. एंड फेमा जो है वो केम इन 1999, फेमा तक तो हमें जाना ही नहीं है. ठीक है, तो फेरा जो था, इन दोनों को इंडस्ट्रीज में प्रॉपरली इंट्रोड्यूस करने का काम जो था वो 1980 में ही हुआ. ठीक है, याद रखिएगा. और इसका एक और ऑब्जेक्टिव था क्या, कि इंडस्ट्रियल सेक्टर जो है, दैट कैन इंक्रीज द इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी, यानी इंडस्ट्रियल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तभी तो आप बाहर एक्सपोर्ट कर पाएंगे, तभी तो आप कंजप्शन लेवल इंक्रीज कर पाएंगे. ठीक है, तो ये सारी चीजें. और यहाँ पर ना फॉरेन इन्वेस्टमेंट की भी बात हुई थी, कि वी कैन डू द फॉरेन इन्वेस्टमेंट. व्हाई फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात हुई थी, बिकॉज दे वांट अ मॉडर्नाइजेशन इन द कंट्री. तो जब अब फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, इंडिया में कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगा, तो नई टेक्नोलॉजी को लेकर आएगा. सो फॉर द कंसेप्ट ऑफ द टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट एंड मॉडर्नाइजेशन, दे ऑल्सो टॉक अबाउट द ये आपका फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट. ठीक है, तो मैंने बोला भी था कि फेरा को इंट्रोड्यूस कर दिया गया था इसी टाइम पर. तो दीज ऑल थिंग्स हैपेंड इन द 1980, आईपीएस 1980. ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट विद द
न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1991, somehow its name is also new economic policy, new industrial policy या new economic domestic concept की आप domestic country में किस तरीके से आप run कर रहे हो industries को, privatization क्या कर रहे हो, but in the global context, new economic policy जो है वो India में introduce किया गया था. अच्छा,